बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा कर रख दी धज्जियां। पहले टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इतिहास रच दिया। एसएसवी जायसवाल, शुभमन गिल, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या तूफानी से तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे तो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच खेला गया फर्स्ट टी20 का काफ़ी खतरनाक विस्फोटक मुकाबला, जिसको देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए जब रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखी। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर खत्म कर दिया। पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर शायद आप भी एक बार चौंक जाएंगे। बांग्लादेश के कई गेंदबाज ऐसे थे जो रिंकू और सूर्य के आगे बॉल फेंकने से मना कर रहे थे कि आखिरकार ये दो कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इतिहास रच दिया और मैं आज आप सभी को बता दें 78 गेंदों के भीतर 848 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। 78 गेंदों के भीतर 848 रन ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा के रख दिए। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच खेला गया फर्स्ट टी20 सीरीज का काफी घातक विस्फोटक मुकाबला। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच फर्स्ट टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस का पक्ष भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में जाकर के गिरा। यहां पर सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले यहां पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दे दिया। बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा खुश हुई और खुशी से उछलने लगी। शायद उन्होंने सोचा कि गेंदबाजी करके हम भारतीय टीम को 100-150 रनों के भीतर ढेर कर देंगे, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल और बेवकूफी रही। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज श्रीलंका से हमारी भारतीय टीम हालांकि हारी, लेकिन सूर्य कुमार यादव काफी ज्यादा गुस्से में थे और उसी का बदला लेने के लिए मैदान पर अपने भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को भेज दिया। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। यशस्वी जायसवाल की शुरुआत काफी बेहतर और बेहतरीन थी तो वहीं शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 10 रन ठोक दिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका लिया, तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया तो वहीं तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए, जहां पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल के हाथों में रही और तीसरे ओवर की 5वीं 6वीं यहां पर 2 बॉलों पर लगातार 2 छक्के ठोक दिए और एक ही ओवर में 28 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल काफी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं शुभमन गिल ने यहां पर 4थे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की, लेकिन 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम का पहला विकेट गिरा, जहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब शुभमन गिल आउट हुए, जी हां आप सभी को बता दें शुभमन गिल जैसे ही यहां पर 31 रन ठोक करके आउट हुए, भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके से शुरुआत की। हर किसी को लग रहा था कि ऋषभ पंत काफी बेहतरीन लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन वहीं आप सभी को बता दें यहां पर 6वें ओवर की 3री बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब 48 यानी कि 48 रन ठोक करके यशस्वी जायसवाल आउट हुए। यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद अब विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे क्योंकि उनको पहला टी20 का मुकाबला जीतना था और भारतीय टीम को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन था क्योंकि इसके कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और 3 आसमानी गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर 8वें ओवर की 2री बॉल पर महज 18 रन ठोक करके आउट हो गए और विकेट कीपर बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जब विकेट कीपर यहां पर बल्लेबाज ऋषभ पंत आउट हुए तो हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए मैदान पर एक तूफानी
पाकिस्तानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हम बात करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और 9 ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज कांप उठे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अगर एक बार पिच पर मैदान पर टिक गया तो समझ लीजिए 200-250 रन बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर टटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो वहीं 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब हार्दिक पांड्या आउट हुए 31 रन ठोकर के। यानी कि विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ये चारों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज 20, 22, 28, 31 पर आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। अब भारतीय टीम हार की कगार पर भी जा सकती थी, लेकिन मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है। यानी कि हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह की। जी हाँ, रिंकू सिंह बहुत तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने मैदान पर उतरते ही 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाजों ने मिलकर के ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश के तूफानी से तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की 6 गेंदों पर वो कर दिया जो बड़े से बड़े दिग्गज न कर पाए। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यहां पर सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। लगातार 6 छक्के ठोक करके 36 रन बना दिए 13वें ओवर की 6 गेंदों पर और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज दौड़कर सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। तो वहीं रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और यहां पर 14 रन समेट लिए। रिंकू सिंह भी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को आउट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित, विराट, गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए जब रिंकू सिंह ने यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। जी हां, सूर्य कुमार यादव ने 6 गेंदों पर 6 छक्के तो लगाए थे, पर रिंकू सिंह ने भी 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक दिए और युवराज सिंह और रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, यहां पर आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव का बना बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के, 3 चौके सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। तो वहीं 17वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका रिंकू सिंह ने लिया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक रिंकू सिंह के हाथों में रही और रिंकू सिंह ने यहां पर 17वें ओवर की 4थी, 5वीं, 6ठी तीनों बॉलों पर लगातार 3 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के गेंदबाज कुछ ऐसे थे जो यहां पर रिंकू सूर्या के सामने बॉल फेंकने से ही मना कर रहे थे, क्योंकि यहां पर रिंकू और सूर्या ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे जहां पर बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर खत्म हो रहा था। रिंकू ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते 244 रन ठोक दिए और अभी भी नॉट आउट थे। तो वहीं 248 रन सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए, वो भी अभी नॉट आउट थे और दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से अभी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा रहे थे। यहां पर 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के, 2 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। तो वहीं 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कोहराम मचा रखा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 गगनचुंबी चौके यहां पर सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। तो वहीं 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव और चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। यहां पर 20वें ओवर की 6ठी बॉल पर रिंकू सिंह आउट हुए
यहाँ पर रिंकू सिंह और यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज। आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव ने दोहरी शतक की पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश की टीम मैदान पर जब बल्लेबाजी करने गुजरी तो काफ़ी ज़्यादा जोश और जुनून में दिख रही थी, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और हर्षदीप सिंह अक्षर पटेल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी गेंदबाजी ने कमाल कर दिया। पहला ओवर लेकर के कुलदीप यादव गए सिर्फ 2 रन दिए, दूसरा ओवर लेकर के मोहम्मद सिराज गए सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन तीसरे ओवर की पहली ही बॉल पर एक विकेट जसप्रीत बुमराह ने डाला। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक विकेट ले लिया और एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जसप्रीत बुमराह की तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी काफी बेहतरीन तरीके से कमाल कर रही थी। वहीं चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर एक विकेट रवि बिश्नोई ने ले लिया, जहां पर 4 ओवर में 2 विकेट बांग्लादेश के चले गए और बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम पहला T20 का मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि मोहम्मद सिराज के 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए, जसप्रीत बुमराह के 9वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 2 चौके ठोक दिए, तो वहीं तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज जब 11वां ओवर लेकर गए तो लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया, तो वहीं हर्षदीप सिंह 12वां ओवर लेकर गए तो लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव के चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के 2 खतरनाक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर जब जब भारतीय टीम मुसीबत संकट में पड़ी है तो संकट मोचन बनकर यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यॉर्कर के बादशाह जसप्रीत बुमराह आए हैं। जसप्रीत बुमराह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए यॉर्कर अंदाज 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 विकेट चटका दिए और तीनों बल्लेबाजों की हेकड़ी निकाल कर रख दी, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटका दिया। अब यहां पर बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर काफी बड़ा दबाव बन गया और बांग्लादेश की टीम थरथर कांपने लगी, तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी करने लगे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया। रवि बिश्नोई ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर सिर्फ 6 रन देते हुए 1 विकेट चटका दिया, तो वहीं हर्षदीप सिंह ने यहां पर 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट देते हुए 14 रन दे दिए। आप सभी को बता दें भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने कमाल कर दिया और यहां पर 19वें ओवर तक जाते जाते पूरी की पूरी बांग्लादेश टीम को समेट लिया। बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा उछल रही थी और पहला T20 का मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।